नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो इश्क पर जोर नहीं का कल का एपिसोड हमने देखा और देखा हमने कि स्टोरी 6 महीने के बाद कहाँ पर पहुँची है। मैं एक ही बात कहूँगी कि अफसोस है इस बात का कि क्यों इस तरह से स्टोरी को आगे बढ़ाया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ सफरिंग जो है इश्क के ही हिस्से में आई है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो हमने जैसे कि देखा कि आहान ने इश्की को 6 महीने पहले इतना ज्यादा डरा दिया था कि उसकी मासी की जान तक बनाई थी कि आहान का कहना था कि अब तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, क्योंकि तेरी मासी की बात हो रही है, तूने सुमन आंटी के लिए नहीं सोचा, इसके लिए नहीं सोचा, उसके लिए नहीं सोचा। यहाँ पे मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगी कि एक बार भी आहान ने 6 महीने पहले वाली जो भी स्टोरी है उसमें एक बार भी मयंक से पूछा नहीं कि मयंक तुम एक बार मुझे सच्चाई बताओ। बार बार इश्की को ही कन्फ्रंट करता रहा, बार बार इश्की के सामने ही आके उसके आगे सवालों की लड़ी लगाता रहा। ये कौन सा इश्क है मुझे नहीं समझ में आया, जिसमें आहान एक विलन की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। वो विलन जो समझो कि हमने एक डर फिल्म में देखा था, एक हमने और किसी फिल्म में देखा था, जिसमें अपनी माशूका को टॉर्चर करने के अलावा कुछ नहीं है, मैं तुझे तबाह कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कर दिया और अब वो उसको सच्चाई नहीं बता रही है, मगर जब सच्चाई बताने आती है तो वो सुनता नहीं है। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि जिस सच्चाई के लिए वो रात भर जागता रहा, उसकी वेट करता रहा, जब वो सच्चाई बताने वाली थी, सामने चोट लगी हुई दिख रही है मगर फिर भी उसको सच्चाई नहीं जाननी है, तो ये किस तरह का करेक्टर डिवेल्प हुआ है आहान का, मेरी समझ से तो थोड़ा सा बाहर है। देखते हैं आगे कैसे चलता है, मगर इश्की के लिए बहुत बुरा लगता है दोस्तों देख के कि जिस तरह से इश्की की 6 महीने की जर्नी रही होगी, हमें इस जो कल का एपिसोड देखा इससे समझ में आ रहा है कि कितनी दर्दनीय रही होगी कि उसको वेटर का काम करना पड़ रहा है, वो भी इन सब से छुपकर, उसके ख्यालों में उसके सपनों में आहान की वही धमकी बार बार, वही गुस्सा बार बार आता है कि उसको बर्बाद कर देगा और उसकी एक ही जो रिश्ता है, एक ही रिश्ता है जिससे वो बहुत प्यार करती है, उसकी मासी, उसके साथ वो कोई भी बुरी चीज होने देना नहीं चाहती है। ये है इश्की। मैं यहाँ पे सोनू पे भी हैरान हूँ कि सोनू कैसे इतना आगे बढ़ गई, सिर्फ एक फोन के साथ उसका एक शॉट दिखा दिया कि इश्की जवाब दे, इश्की मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता कि सोनू ने राज को ये बात बताई है कि नहीं बताई है। सोनू जो राज के साथ सारी बातें शेयर करती थी, राज को मयंक की सच्चाई भी बता देती है कि मयंक कैसे उसको तंग करता था, कैसे उसके जो चेंजिंग रूम में आ गया था, ये सारी बातें उसने बताई, मगर ये बात क्यों छुपा ली जबकि शादी हो चुकी है, दोनों कितना टाइम साथ में स्पेंड करते होंगे, इतना बड़ा राज अपने दिल में रख के एक पार्टनर के साथ वो कैसे निकल रही है, ये थोड़ा सा मुझे हजम नहीं हो रहा है। और फिर राज को लेके भी कि जब राज को मयंक के बारे में सब कुछ पता था तो एक बार तो राज बात करता आहान से कि मयंक अच्छा लड़का नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से करता, बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर उसने भी कुछ नहीं किया। अगर मैं सोचती हूँ दोस्तों कि स्टोरी को सपोर्ट करना है, एक इश्क पर जोर नहीं टाइटल है उसको सपोर्ट करना है, तो बहुत सारे और तरीके भी हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के साथ नहीं करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये इन सब के राज का, सोनू का, इन सब का करेक्टर ग्राफ जो है वो नीचे लेके जाती है कि इनके अंदर सिर्फ डायलॉग में कंपैशन है और एक्शन में कंपैशन नहीं है। तो इश्की के साथ तो जो हो रहा है वो सच में बहुत ही खराब लग रहा है और अब इश्की बिल्कुल बदल चुकी है, अब वो बिल्कुल ऐसी इश्की बन गई है जिसको किसी चीज के आगे आवाज नहीं उठानी है, क्योंकि उसको वन एंड ओनली चीज दिख रही है कि मुझे अपनी नौकरी बचानी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी को पता है कि मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे सर पे छत नहीं है और ये जो गरीब मार है वो इश्की के साथ है। तो ये सोच के थोड़ा मन थोड़ा परेशान होता है कि ऐसे लोगों के साथ होता भी है दोस्तों। तो मैंने ये देखा तो मुझे सच में अच्छा नहीं लगा देख के कि इतना टॉर्चर, और उस लड़की के लिए अगर सच में मतलब ऐसी लड़कियां हैं दुनिया में, वाकई में होंगी, क्योंकि स्टोरीज जो है कभी भी पूरी स्टोरी नहीं होती है, कहीं ना कहीं से सच्चाई से रिलेटेड होती है, तो जरूर उस स्टोरी में जो इश्की का करेक्टर निभा रही है लड़की,
ओरिजिनल लाइफ में ऐसी जो मुसीबतों को सहन करते करते आगे बढ़ने का जज्बा रखती है, नेवर गिव अप का जज्बा रखती है, उन सब लड़कियों को मेरा सलाम है। तो ये था मुझे कल के एपिसोड को लेके थोड़ा अफसोस हुआ दोस्तों, 6 महीने बाद की कहानी को देख के। और अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इस तरफ कहानी जाना शुरू होगी कि जब आहान के मन में इश्की के लिए ये जानने की इच्छा होगी कि ये इतना बदली तो बदली कैसे। जैसे कि हमने कल देखा कि वो कहता है कि अरे इसने तो ये बोला ही नहीं उसको, उसने बोला मेरे कमरे की सफाई कर दे, मेरी फियांसी के कमरे की सफाई कर दे, मगर इश्की ने रिएक्ट नहीं किया कि ये मेरा काम नहीं है, जो इश्की करती थी। और फिर उसने जो बाकी भी चीज़ें बोली और अब आज भी बोलेगा रिंग गुम होने के बाद, तो वो उस पर भी रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये सारी बातें आहान को मजबूर करेंगी सोचने पर कि आखिर ये इतना बदल कैसे गई। और जब आहान को सच्चाई पता चलेगी उसके बाद क्या इश्की आहान को एक्सेप्ट करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। देखते हैं आगे स्टोरी किस करवट बैठती है, मगर फिलहाल यही है मेरे साथ आपके साथ बात करने के लिए। आप भी अपनी बात कमेंट के जरिए कहिए और बताइए कि क्या आप सोचते हैं कि कोई ऐसा करेक्टर जो इतना अच्छा जा रहा है वो ये सब भी डिजर्व करता है। एक बोल्ड लड़की इस तरह एक गरीबी के उसमें चली गई है जिसमें उसको सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल दिख रहा है, अपनी इंसल्ट, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए था ग्राफ या फिर कुछ अलग होना चाहिए था? कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।